क्या अंकित गुप्ता दोबारा से ले सकते हैं बिग बॉस सीजन 16 में एंट्री? क्या अंकित गुप्ता को दोबारा से देखने मिलेगा हमको बिग बॉस में? आइए देते हैं इस बारे में आपको पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम है गणेश कांदू। अंकित गुप्ता जो इस सीजन एक समय पर तो सबसे वीक कंटेस्टेंट लग रहे थे, लेकिन धीरे 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 बातें आती सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर बन चुके थे, लेकिन अचानक से हुआ कुछ ऐसा जो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था और अंकित गुप्ता हो गए इस घर से एलिमिनेट। लेकिन एलिमिनेट होने के बाद जिस तरीके का उनको उनके फैंस ने अपना प्यार दिखाया, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो, जिस तरीके से उनको उनके फैंस ने प्यार दिखाया, सपोर्ट किया है अंकित गुप्ता, उस चीज़ को लेकर अभी भी बहुत सारे इंटरव्यू में कह चुके हैं ग्रेटफुल हैं। और दो तीन बटालियन का उन्होंने नाम लिया जिसको काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल मानते हैं, जैसे अंकित बटालियन, प्रियंकित बटालियन, प्रियंका बटालियंस, प्रियंकित फैंस, ये तीन से चार नाम थे जो उन्होंने लिए और उन सबको थैंक यू बोला जिस तरीके का प्यार और सपोर्ट उन्होंने दिया। और अंकित गुप्ता ने एक स्टोरी शेयर करी अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें आप देख सकते हो वायाकॉम ऑफिस के बाहर वो दो से तीन लोग खड़े हैं पोस्टर लेके, जिसमें वो लिख रहे हैं वी वॉन्ट अंकित गुप्ता बैक बिग बॉस। बिग बॉस के घर में वो अंकित गुप्ता को फिर से देखना चाहते हैं, ऐसा पोस्टर लेकर खड़े हैं। अंकित गुप्ता ने शेयर किया और उसके बाद जो है एक स्टोरी शेयर करी जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1:30 बजे वो लाइव आ रहे हैं। और लाइव में आने के बाद उन्होंने खुलासा किया कि बिग बॉस के घर में अगर उनको मौका मिले दोबारा से तो वो ज़रूर जाना चाहेंगे, उनका बहुत इच्छा है दोबारा से जाने का, क्योंकि अंकित गुप्ता का अब जो गेम था जिस लेवल से खुल रहा था धीरे 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 धीरे, तो वो एक अलग लेवल पर अब जा सकता था। लेकिन अचानक से जो हुआ वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था और अनएक्सपेक्टेड था काफ़ी लोगों के लिए। इवन उनके फैंस जो है वो नाखुश थे कि इस तरीके से अगर आप रियलिटी शो कर रहे हो तो आप वोटिंग के हिसाब से निकालो ना, जनता के वोट के हिसाब से। लेकिन हुआ ये कि कंटेस्टेंट से वोट आउट कर दिया, लेकिन अंकित गुप्ता ने खुद इस बात पे कंफर्मेशन दिया कि अगर उनको दोबारा से जाने का मौका मिले तो वो ज़रूर जाना चाहेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो बिग बॉस के घर में नहीं गए तो उनका जो है पूरा सपोर्ट सिर्फ प्रियंका को रहेगा, और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस को या फिर जो उनके बारे में ट्वीट करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उन सबको बोला है कि प्रियंका को सपोर्ट करो क्योंकि वो विनर बनना डिजर्व करती है। जैसे अगर इसके पहले जब बिग बॉस के घर से जब वो बाहर आए थे इंटरव्यू में, तो उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रियंका को लेकर कि क्या प्रियंका डोमिनेटिंग है, जिस पर अंकित गुप्ता ने बहुत स्मार्टली आंसर किया था कि डोमिनेटिंग नहीं है, उसका नेचर ही कैरिंग है, क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो मतलब मेरे को लेकर थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और केयर करती है। और उसके साथ उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए सामने वाले को कि वो एकदम स्टंट रह गए कि हाँ मतलब सही बात है। और अंकित गुप्ता जो एक्चुअली में वो कम बोलना डिजर्व कर कम बोलता पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अभी वो लाइव भी आए थे तो मुश्किल से सिर्फ 5 या 6 मिनट के लाइव आए थे और फटाक से उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उस बीच उन्होंने बहुत सारी बातें करी और उसमें से एक बात ये थी कि वो दोबारा से बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। अब देखना ये कि क्या बिग बॉस उनको दोबारा से बुलाएंगे या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में, क्या कि क्या अंकित गुप्ता को दोबारा से बिग बॉस के घर में एंट्री करनी चाहिए, क्या बिग बॉस को दोबारा से अंकित गुप्ता को बुलाना चाहिए बिग बॉस के घर में, तो ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरह की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। थैंक यू।